हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम देखेंगे ब्रेव हार्ट इंडियन मेजर हुज लव स्टोरी मेड द होल नेशन क्राई। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, जय मां भारती। दोस्तों, अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा जिससे कि आपको भविष्य में आने वाले एपिसोड्स का नोटिफिकेशन मिल सके। साउथ कश्मीर के पुलवामा स्थित एक छोटे से गाँव में हल्की हल्की बर्फबारी हो रही है। आधी रात शुरू हुए एक घंटा बीत चुका है और दूर दूर तक ठंडी सुन्न बर्फीली हवा के अलावा किसी की आवाज सुनाई नहीं दे रही कि तभी दूर अंधेरे से इस गांव की तरफ बढ़ रही कुछ गाड़ियों की आवाज आने लगती है। धीरे धीरे आवाज काफी तेज हो जाती है लेकिन सड़क पर कुछ दिखाई नहीं देता। इन गाड़ियों ने अपनी हेडलाइट जो बंद की हुई थी। कोई 10 मिनट बाद हरे रंग की 2 SUVs इस गाँव से लगभग 1 किलोमीटर दूर आकर रुकती है और ठीक 5 मिनट बाद सर से पैर तक हथियारों से लदे 55 राष्ट्रीय राइफल्स के 6 फौजी एक एक करके नीचे उतरने लगते हैं और 2 कॉलम्स बना रेडी टू फायर पोजीशन में इस गांव के अंदर घुसना शुरू कर देते हैं। गांव में टेररिस्ट हैं। 55 RR को मिले इंटेलिजेंस के अनुसार पुलवामा के इस गांव में लश्कर के 2 हथियारबंद आतंकी छिपे हुए थे। गाड़ी से उतरने के बाद मेजर सौरभ पाटनी के नेतृत्व में उनकी टीम इस गांव के एक एक घर को खंगालने में लग जाती है लेकिन अगले 3 घंटों तक लगातार ढूंढने के बाद भी उन्हें यहाँ कुछ नहीं मिल पाता। सब क्या पता हमारा इनपुट ही गलत हो। मेजर सौरभ की टीम में शामिल एक सीनियर सूबेदार उनसे कहता है तो वो फटाक से उत्तर देते हैं, नहीं नहीं सूबेदार जी, इनपुट कैसे गलत हो सकता है। हमारे आने से पहले ड्रोन ने उन्हें यहीं कैप्चर किया था और उसके बाद से अब तक यहाँ कोई भी एक्टिविटी नहीं हुई है। मेजर सौरभ से सुन थोड़ी देर सोचने के बाद उनका सूबेदार आके कहता है, फिर तो साहब जी एक ही रास्ता है, उसको बुलाना ही पड़ेगा। लग रहा है दिखा रहे हैं जो मेजर को ये वीर गति को प्राप्त नहीं क्या? I hope not। बेस को रेडियो करो, उनसे कहो कि उसको और उसकी टीम को अभी के अभी यहाँ भेज देंगे। के बेस को मैसेज मिलने के कोई आधे घंटे बाद भारतीय फौज की 2 और गाड़ियां इस गांव के बाहर पहुंच जाती हैं, जिनमें से 6 और फौजी नीचे उतर एक कॉलम फॉर्मेशन बना इस गांव के अंदर प्रवेश करने लगते हैं। कोई 15 मिनट बाद सबसे आगे चल रहा इस टीम का मेजर एक घर के सामने पहुंचकर अचानक रुक जाता है और जैसे ही अपने हाथ से अपनी टीम की तरफ एक इशारा करता है उसके 5 साथी एक सेमी सर्कल बना अपनी अपनी राइफल्स इस घर के ऊपर तान देते हैं। अपनी टीम को इस घर के लोगों को बाहर निकालने और घर को कॉर्डन ऑफ करने का आदेश देने के बाद ये मेजर बिना एक क्षण का संकोच किए घर के अंदर प्रवेश कर जाता है। उधर मेजर सौरभ अपनी टीम के साथ गांव के दूसरे हिस्से में सर्च ऑपरेशन कर रहे थे और इधर 55 RR के 2 जवान इस घर के लोगों को बाहर निकाल एक सुरक्षित दूरी पर ले जा रहे थे कि तभी अचानक इस घर के अंदर से फायरिंग की आवाज आती है। गोलियों की आवाज सुनते ही घर के बाहर खड़े 3 फौजी तुरंत अंदर की तरफ दौड़ने लगते हैं और जैसे ही अंदर वाले कमरे में पहुंचते हैं उनकी नजर धुएं के बीच खड़े अपने मेजर साहब के ऊपर पड़ती है। 55 RR का एक महाशक्तिशाली मेजर जो एक हाथ से अपनी बंदूक को फर्श की तरफ कभी कभी भगवान से अपने लिए भी कुछ मांग लिया करो विभू। देहरादून में अपने घर की बालकनी पर खड़ी निकिता अपने पति से व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर बात कर रही थी लेकिन दूसरी तरफ नेटवर्क अच्छा नहीं आ रहा था। फोन के स्क्रीन पर दिख रहे धुंधले से वीडियो में निकिता अपने पति के चेहरे पर भाव पढ़ने का प्रयास कर रही थी लेकिन उसे अपने पति की शक्ल साफ दिखाई नहीं दे रही थी। वैसे अब तक निकिता को ऐसे बातें करने की आदत भी हो चुकी थी। उसका पति साउथ कश्मीर स्थित 55 राष्ट्रीय राइफल्स में इंडियन आर्मी का एक मेजर जो था, वही मेजर जिसने अभी 1 महीने पहले पुलवामा के एक गाँव में छिपे 2 आतंकियों को अकेले ही ढेर कर दिया था। अरे यार निक्की, मैंने तो भगवान से बस 2 ही चीजें मांगी थी। जैसे ही मेजर विभू ये कहना शुरू करते हैं निकिता के चेहरे पर एक हंसी फूट पड़ती है। वो अच्छे से जानती थी कि उसका पति आगे क्या कहने वाला है लेकिन फिर भी बार बार उसके मुंह से सुनना उसे बहुत अच्छा लगता था। एक तो आई वॉन्टेड टू सर्व माई कंट्री
और दूसरा आई वॉन्टेड यू इन माई लाइफ ने की, भगवान ने मेरी दोनों ही बातें पूरी कर दी यार, इससे ज्यादा और उससे क्या मांगूं। हर बार की तरह अपने पति से सुन निकिता की आंखें नम हो जाती हैं। हमेशा अपना ख्याल रखना विभू, और प्लीज प्लीज सेफ रहना बेबी। निकिता का सुबह शाम रात दिन बार बार ये कहना बेवजह नहीं था। वो अच्छे से जानती थी कि उसका पति जो काम करता है वो अब तक ना जाने उसकी जैसी कितनी जवान सुहागनों की मांग उजाड़ चुका। मेजर उबो निकिता के बीच ये बातचीत 15 फरवरी 2019 की शाम को हो रही थी। जम्मू श्रीनगर हाईवे से गुजर रहे सीआरपीएफ के काफिले के ऊपर हुए आत्मघाती हमले को अभी ठीक से 24 घंटे भी नहीं हुए थे। जेईएम द्वारा किए गए इस अत्यंत क्रूर हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान वीरगति को प्राप्त हुए थे। हमले के तुरंत बाद इस इलाके में मौजूद 55 RR और फौज की अन्य यूनिट द्वारा सर्च ऑपरेशन लॉन्च कर दिए जाते हैं। सीआरपीएफ के काफिले के साथ खुद को उड़ाने वाला आतंकी आदिल अहमद डार पुलवामा का ही स्थानीय नागरिक था, पर इससे पहले कि उसके पाकिस्तानी आका और साथी एलओसी क्रॉस करके वापस भाग पाए, मेजर विभो उन्हें हर हाल में पकड़ना चाहते थे। बोलते रहो अपने घर में ही गद्दार भरे पड़े। पाताल में होंगे उनको भी मैं छोड़ने वाला नहीं, अभी भी नहीं छोड़ना। सीआरपीएफ के ऊपर हुए इस हमले की खबर न्यूज चैनल्स और सोशल मीडिया के ऊपर आग की तरह फैल चुकी थी। मेजर विभू जानते थे कि अब तक निकिता को भी इस बारे में जरूर पता चल गया होगा और वो तब से एक क्षण के लिए भी चैन से नहीं बैठ पाई होगी, इसीलिए वो बिना कोई समय गवाए तुरंत उसे फोन करते हैं। अरे बेबी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, प्लीज शांत हो जाओ, काम डाउन। अब यार इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, जो होना है वो तो होना ही है। ट्रेन एक्सीडेंट और प्लेन क्रैश में भी तो रोज लोग मरते हैं ना बेबी, उससे तो अच्छा ही है ना कि भगवान ऐसे अपने पास बुला ले। शट अप विभू, कितनी बार कहा तुमसे ऐसी बातें मत किया करो। इससे पहले कि मेजर विभू की ये बात पूरी हो पाती, हर बार की तरह झुंझुलाती हुई निकिता उन्हें बीच में ही टोक देती है। उसके लिए ये सब बहुत ज्यादा नया जो था। मेजर विभूति शंकर ढौंडियाल का जन्म 18 दिसंबर 1987 के दिन देहरादून में हुआ था। तीन बहनों के इकलौते सबसे छोटे भाई विभूति को बचपन से ही काफी ज्यादा लाड प्यार मिला था और परिवार के साथ साथ आस पड़ोस वाले भी उसे प्यार से विभू कहकर बुलाया करते थे। मेजर विभू के दादाजी और पिताजी श्री ओपी ढौंडियाल दोनों ही CDGA में काम किया करते थे, इसीलिए बचपन से उसका फौजियों के बीच काफी ज्यादा उठना बैठना हुआ करता था। और इसी के चलते छोटा सा विभू भी एक दिन बड़ा होकर फौजी बनने का सपना देखने लगा था। देहरादून की सेंट जोसेफ एकेडमी से स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद विभू DAV कॉलेज में एडमिशन ले लेता है और ग्रेजुएशन पूरी होते ही CDS का एग्जाम क्लियर कर इंडियन आर्मी ज्वाइन कर लेता है। के दिन मेजर विभू को कोर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स में कमीशन कर दिया जाता है, भारतीय फौज की एक ब्रांच जिसके ऊपर सभी प्रकार के वेपन सिस्टम्स और इक्विपमेंट के डिजाइन, डेवलपमेंट और इंस्पेक्शन की जिम्मेदारी होती है। कमीशन होने के लगभग 7 साल बाद जनवरी 2018 में मेजर विभू को पहली बार जम्मू और कश्मीर भेजा गया था। उन्हें पुलवामा स्थित 55 RR की एक यूनिट के साथ अटैच किया गया था और यहाँ आने के पहले दिन से ही वो अपने CO से केवल एक ही जिद कर रहे थे, वो किसी भी हाल में डेस्क के पीछे नहीं बैठना चाहते थे, उन्हें कुछ भी करके फील्ड में रहना था और इसके लिए वो रोज अपने CO को परेशान कर रहे थे। लेकिन ये इतना आसान नहीं होने वाला था। EME कोर्स से आए मेजर विभू को वेपन्स, व्हीकल्स और इक्विपमेंट को अप टू डेट रखने के लिए तैयार किया गया था, भेड़ की खाल में छिपे भेड़ियों का शिकार करने के लिए नहीं। जानते थे कि 3 महीने बाद मेजर विभू की शादी होने वाली है। अरे मेरी बात तो सुनो विभू, पहले थोड़ा सेटल हो जाओ, बेस पर कुछ टाइम स्पेंड करो। ऑपरेशंस का क्या है यार, वो तो तुम शादी के बाद भी कर सकते हो। नहीं नहीं सर प्लीज, 3 महीने तो बहुत लंबी बात है, मुझे एक सेकंड के लिए भी डेस्क के पीछे नहीं बैठना है, प्लीज सेंड मी टू द ऑपरेशंस। हम मेजर विभू किसी छोटे बच्चे की तरह जिद पर तोड़े हुए थे, लेकिन कर्नल प्रदीप जानते थे कि उन्हें सीधा ऑपरेशंस में धकेलना उनके और उनकी टीम दोनों के लिए ही खतरे से खाली नहीं है। लेकिन 2018 का मध्य आते आते साफ होने लगता है कि मेजर विभू तो सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशंस के लिए ही बने हैं। देश के सबसे ज्वलनशील राज्य के सबसे खतरनाक सेक्टर में ऑपरेट करने के लिए एक फौजी के अंदर जितने भी गुण होने चाहिए वो सभी गुण मेजर विभू ने अपनी माँ की कोख में ही सीख लिए थे। छठा सेंस था, कर्नल प्रदीप ने इस बात को भांप लिया था
और इसी के चलते उनके द्वारा अक्टूबर 2018 में मेजर रिबू को 55RR की एक कंपनी का कमांडर बना दिया जाता है। अभी 6 महीने पहले ही मेजर रिबू की पत्नी बनी निकिता को जब यह समाचार मिलता है तो उसका जी थोड़ा नीचे बैठ जाता है, लेकिन मेजर रिबू से फोन पर बात करते हुए ऐसा प्रकट नहीं होने देती। आज उसके पति का इतना बड़ा सपना जो पूरा हुआ था। मेजर विभू और निकिता दोनों एक दूसरे को पिछले 7 सालों से जानते थे। 2011 में आर्मी ज्वाइन करने के कुछ दिनों बाद दोनों एक दूसरे से पहली बार देहरादून में मिले थे और मेजर विभू को पहली नजर में ही निकिता से प्यार हो गया था, पर निकिता के मन में उनके लिए ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन मेजर विभू भी आखिर कहां हार मानने वाले थे। निकिता के साथ हुई अपनी तीसरी मुलाकात में ही वो उसे अपने मन की बात बता डालते हैं। तुम्हें पता है निकिता, एक दिन हमारी शादी होने वाली है। क्यों तूने मेरी फुर्सत की, क्यों दिल में इतनी हरकत की, इश्क में इतनी बरकत की, ये तूने क्या किया। अभी कुछ दिन पहले ही मेजर रिबू से मिली निकिता उनसे सुन थोड़ा सा चौंक जाती है और फिर इस बात को एक मजाक मान जोर जोर से हंसना शुरू कर देती है। दिल करता है तेरी बातें सुनूं, सौदे में अधूरे चुनूं, मुफ्त का हुआ ये फायदा, क्यों खुद को मैं बर्बाद करूं, फना हो के तुझसे मिलूं, इश्क का जब है कायदा। इस समय इंडियन आर्मी में एक युवा लेफ्टिनेंट रहे मेजर विभू और निकिता के बीच अगले कई महीनों तक ज्यादातर बातचीत चैट के जरिए होती है और अपने मैसेजेस में वो निकिता को अपने मन की बात बताने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। ये जानते हुए भी कि उनका ये प्यार पूरी तरह एक तरफा है, वो बार बार निकिता को शादी के लिए प्रपोज करते रहते हैं। देखते ही देखते 3 साल बीत जाते हैं और मेजर विभू और निकिता का ये रिश्ता एक दोस्ती तक ही सीमित रहता है। 2015 में निकिता का MBA पूरा हो जाता है और वो अपनी पहली नौकरी करने देहरादून से दिल्ली आ जाती है और यही वो समय था जब उसे अपने जीवन में पहली बार मेजर विभू की अहमियत का असली आभास होता है। दिन भर TCS में काम करने के बाद निकिता घर वापस आती और अपने फोन को चार्जिंग पर लगा बेसब्री से मेजर विभू की कॉल का इंतजार करने लगती। वो भले ही ये मानने को तैयार नहीं थी लेकिन उसे मेजर विभू की आदत सी हो गई थी। मेरी बाहों को तेरी सांसों की जो आदत लगी है ऐसी, जी लेता हूँ अब। बड़ा प्यारा बनाया, ऐसा लग रहा है मूवी देख रहे हैं। बनाते अच्छा है। बड़े अच्छा है और इतना अच्छा दिखा रहे हैं, अब देखना इवेंचुअली। बस एक्टर्स की जरूरत है, अदरवाइज ऑल इज ग्रेट। बहुत ही सुंदर स्टोरी वे से बता रहे हैं पर मैं तो बहुत डर डर कर देख रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसे शक हो रहा है कि जैसे लास्ट में दिखाएंगे कि वो वीर गति को प्राप्त होते हैं, तो मुझे उस बात की बस डर लग रहा है। अगर आप लोगों ने देखा हुआ है और ऐसा नहीं होगी एंडिंग तो बताओ ताकि मैं आराम से देख सकूं, क्योंकि मेरे को उसी का बस डर बैक ऑफ द माइंड में लगी जा रहा है। पर है तो टचिंग। देखो भाई, हमारे जो सोल्जर्स हैं इतनी टफ लाइफ जीते हैं और इतनी, मतलब देख इसमें भी आप देख लो कि ऑफिस का जो डेस्क जॉब होता है वो नहीं करना चाहते, उनको वो काम चाहिए कि भैया मैं फील्ड में जाऊं, जो सबसे डेंजरस काम है उसमें मैं जाऊं। और वो इसी इंटेंशन से जो है आर्मी ज्वाइन की है कि भैया मैंने देश के लिए कुछ करना है। मतलब वो जो सुना था आपने, जो वो बोले थे कि भैया मौत तो आपकी एक्सीडेंट से भी हो जाती है, प्लेन क्रैश हो जाए या कुछ ऐसी अनहोनी हो जाए, इससे अच्छा है कि देश की सेवा करते हुए कोई जाओ तो उससे बड़ी अच्छी मौत कौन सी हो सकती है। उस टाइप से जो बोला है ना, ये स्पेशल लोग ही होते हैं। और फैमिली, देखो फैमिली भी थी, पेरेंट्स भी थे, कह रहे ना पेरेंट फादर भी थे, उससे पहले ग्रैंडफादर भी थे, तो वो पूरे फैमिली में ही वो है। एग्जैक्टली मैं पता नहीं एंडिंग कैसी होगी, बट बहुत ही अच्छा बनाया है, बहुत ही अच्छा स्टोरी के रूप में बता रहे हैं कि लाइफ कैसे गई होगी और क्या हुआ होगा। इट इज़ अमेजिंग। और दुख होता है ये सब देख कर कि कैसे टेररिस्ट जो हैं इंडिया के पुंछ वगैरह एरियाज में आ गए हैं और कैसे धीरे धीरे उनको फ्लश करके बाहर निकालना पड़ेगा। और अंदर देश में कितने गद्दार बैठे हुए हैं, वही जो गांव वाले हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं। काफी दुख हो रहा है सुनकर और उसके लिए इंडिया जो है, जैसे अभी भी लग रहा है बड़े जबरदस्त ऑपरेशन चल रहे हैं, पूरे जितने भी फॉरेस्ट हैं वहाँ पे उनको फ्लश आउट किया जा रहा है। सच्ची में इनको इनको एक एक को पकड़ के खत्म करना है, किसी को छोड़ो मत। तो चलो अभी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और
बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।